नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह पॉलिटिकल मामलों पर भी बोलने से नहीं हिचकिचाते। नसीरुद्दीन ने नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बारे में बोलते हुए बॉलीवुड के तीनों खान की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। इस्लामिक एजेंडा चलाने वाले शाह ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस्लामिक एजेंडे के साथ चलने वाले नसीरुद्दीन शाह नुपुर शर्मा के मामले में भी अपनी टांग घुसाने के लिए आ चुके हैं। क्योंकि बात मुस्लिमों के खिलाफ है तो ये लोग बिल में नहीं रह सकते, इसीलिए धर्म की ठेकेदारी के लिए आगे आ गए। नसीरुद्दीन CAA के खिलाफ रहे, इस्लामिक एजेंडा चलाते हैं, इंटॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आप समझ जाएं कि ये कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं। नसीरुद्दीन अपने इस एजेंडे में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को भी शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आने से नसीरुद्दीन शाह काफी दुखी हैं। तीनों खान्स की अगर बात करें तो देश का एक बड़ा धड़ा इन अभिनेताओं से बहुत प्रभावित रहता है। इसी वजह से नसीरुद्दीन दुखी है कि वो पैगम्बर पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने अनुमान लगाया कि देश के सबसे बड़े स्टार्स के पास खोने के लिए काफी कुछ है, इसीलिए वो चुप्पी साध लेते हैं। शाह ने द कश्मीर फाइल्स पर कमेंट करते हुए सिनेमा की शुरुआत पर भी बात की। बॉलीवुड के खान्स पर बोलते हुए एक्टर ने कहा, मैं उनके लिए नहीं बोल सकता हूँ, मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ जिसमें वो लोग हैं। मुझे लगता है कि वो सोचते हैं उनके लिए ये काफी रिस्की साबित होगा, लेकिन फिर मुझे नहीं पता इसके बारे में वो अपनी अंतरात्मा को कैसे समझाते हैं, पर मुझे लगता है वो ऐसी पोजीशन में हैं जहां उनके पास खोने के लिए काफी कुछ है। नसीरुद्दीन शाह ने उदाहरण के लिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन के विच हंट का हवाला दिया। वे बोले, जो शाहरुख खान के साथ हुआ और जिस गरिमा के साथ उन्होंने इसका सामना किया वो तारीफ के काबिल था। ये कुछ नहीं लेकिन विच हंट था। उन्होंने चुप्पी साधी रखी, उन्होंने बस इतना किया था कि तृणमूल को सपोर्ट किया था और ममता बनर्जी की तारीफ की थी। सोनू सूद के घर छापेमारी हुई। इस उदाहरण से सब कुछ समझा जा सकता है। नसीरुद्दीन किस हद तक बीजेपी विरोधी हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी शायद मुश्किल हो। ड्रग्स ले आप, पार्टी करें आप और दोष सरकार का। जहां आर्यन को पकड़ा गया उस राज्य में तो बीजेपी की सरकार भी नहीं। नसीरुद्दीन यही नहीं रुके, पीएम मोदी पर भी बोले और द कश्मीर फाइल्स पर भी। द कश्मीर फाइल्स पर बोलते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि ये फिल्म कश्मीरी हिंदुओं के दर्द का काल्पनिक वर्जन थी जिसे सरकार ने प्रमोट किया था। अपने इंटरव्यू में शाह ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर रिएक्ट करते हुए पीएम मोदी से जहर रोकने की अपील की थी, जिसमें कहा पीएम ट्विटर पर जिन नफरत फैलाने वालों को फॉलो करते हैं उन्हें उनके लिए कुछ करना चाहिए। जहर को बढ़ने से रोकने के लिए उन्हें कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। एक दिन लोगों में अच्छी समझ आएगी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत खत्म होगी। नफरत किसके दिल में है और किसके दिल में नहीं, ये नसीरुद्दीन को बताने की जरूरत नहीं है। इस बात को हर नागरिक समझता है। नुपुर शर्मा के इस्लाम पर दिए गए बयान को लेकर बॉलीवुड एक्टर रहे मुगल भक्त और हिंदू फोबिक नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर अपनी जिहादी सोच का रायता फैला दिया है। अब ये देखना होगा कि इस बयान का खान्स पर क्या असर पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।